हेलो, दिस इज एसकेवी एंड यू आर वाचिंग महिंद्रा इंग्लिश हब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में कॉमन एरर नाउन का कैसे चुनते हैं। अब हम तीन चीज और पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज मैंने शुरुआत किया है नाउन एंड जेंडर का, फिर एक लंबा सा चैप्टर है नाउन एंड नंबर, जिससे हमेशा एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केसेस। तो केस भी एक चैप्टर है, जेंडर भी एक चैप्टर है और नंबर भी एक चैप्टर है। तो ये सब नाउन के अंतर्गत कैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे जरा सा देखेंगे। तो आज हम आपको लिए चलते हैं जेंडर के अगले लेशन का, नाउन के अगले चैप्टर का। तो अगला चैप्टर हमारा क्या है, जेंडर, जिसको हम बोलते हैं नाउन एंड जेंडर। आगे भी हम पढ़ेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। नाउन एंड नंबर भी पढ़ेंगे, जो कि एक लार्ज चैप्टर है, बड़ी चैप्टर है, और नाउन एंड केसेस भी पढ़ेंगे। तो सब पढ़ना जरूरी है, नंबर भी पढ़ना जरूरी है, केस भी पढ़ना जरूरी है, और जेंडर भी पढ़ना जरूरी है। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जेंडर, ठीक है, और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। आज अगर आप जेंडर पढ़ लेते हैं अपने भारतीय गुरुजी से, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको जेंडर में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो बाबू, सबसे पहला शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेंडर। क्या लिखा हुआ है, जेंडर। तो जेंडर आप जानते होंगे, जिसको हम लिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है, क्या लिखा हुआ है, द वर्ड विच इज यूज टू आइडेंटिफाई सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। भाई वैसे शब्द, ठीक है ना, क्या वैसे शब्द जिसका हम प्रयोग करते हैं क्या चीज को पहचानने में, सेक्स को पहचानने में, कि वो मेल है या फिर फीमेल है, और मेल और फीमेल नहीं है तो फिर क्या है। तो भाई इसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं। जैसे अब ये जो है ना, फिर से एक बार मैं जेंडर की डेफिनेशन को दोहरा रहा हूं, क्या, द वर्ड विच इज यूज टू आइडेंटिफाई सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। यानी वैसे शब्द जो सेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कि वो जो है मेल है या फिर फीमेल है, या फिर लिविंग है, नॉन लिविंग है, कुछ भी पहचानने के लिए हम लोग जेंडर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कितने प्रकार का जेंडर होता है। तो बाबू आपके सामने मैंने लिखा है, देर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। क्या लिखा है, देर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या लिखे हैं, सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर, याद रहेगा मेरे बच्चे, सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा जो होता है कॉमन जेंडर, और चौथा जो होता है न्यूट्रल जेंडर। फिर से एक बार मैं चल रहा हूं भाई, पहला क्या होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा क्या होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा क्या होता है कॉमन जेंडर, और चौथा क्या होता है न्यूट्रल जेंडर। तो सबका फंडा को आपको समझना है बाबू, क्या समझना है, सबके फंडा को समझना है, कि आप यहां पे देख रहे हैं लिखा हुआ मैस्कुलिन। क्या करेंगे मैस्कुलिन में, कहते हैं जिस शब्द से यह पता चलता है कि वह मेल है। मेरे भाई फिर से एकदम सिंपल वे में, जिस शब्द से यह पता चलता है कि वह मेल है, वही हमारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। याद रहेगा मेरे बच्चे, क्या मैंने बताया, मैस्कुलिन जेंडर, जिस शब्द से यह पता चलता है कि वह मेल है, वही मैस्कुलिन जेंडर है। और यहाँ पे देख रहे हैं ना लिखा हुआ है फादर, बोलिए मेल है या फीमेल, तो मेल है, मैस्कुलिन जेंडर। अब यहाँ पे किंग लिखा हुआ है, राजा, मेल है या फीमेल है, तो आप समझ सकते हैं मेल है, मैस्कुलिन जेंडर। इसी तरीके से मैन और इसी तरीके से एक्टर। तो मेरे बच्चे फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, जेंडर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वैसे चीजों में कहते हैं जहां हम पहचानने का काम करते हैं कि आइदर जो सेक्स है वो मेल है या फिर फीमेल है, दोनों में से कौन सा चीज है, इसलिए डिफाइन किया हुआ है, द वर्ड विच इज यूज टू आइडेंटिफाई सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। फिर से मैंने बता दिया मैस्कुलिन जेंडर, जिस सबसे पता चलता है कि वो मेल है उसे मैस्कुलिन जेंडर, फादर, किंग, मैन, एक्टर एटसेट्रा। दूसरा मेरे बच्चे आपके सामने लिखा हुआ है फेमिनिन जेंडर। क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, फेमिनिन जेंडर, क्या, जिस सबसे यह पता चलता है कि फीमेल है। आप समझ रहे हैं, मेल अगर पता चलता है तो मेरे प्यारे बच्चे वो मैस्कुलिन जेंडर है, और अगर फीमेल का पता चलता है तो वो हमारा फेमिनिन जेंडर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल,
अब बताइए लड़का रहता तो मेल होता, लेकिन लड़की है तो जस्ट यहाँ फीमेल हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं मदर, मदर मदर माँ है, माँ क्या है फीमेल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वीन, क्वीन क्या है फीमेल है, रानी। अब यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टर, बहन क्या है फीमेल है। तो भाई जो मेल होता है वो मैस्कुलिन होता है और जो फीमेल होता है वो फेमिनिन होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होता, जो एग्जाम्स में प्रॉब्लम देते हैं इधर से देते हैं। और मैं बहुत चीज मेनी एंड मोर थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच राइट नाउ, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए कॉमन जेंडर। कह रहे हैं कि द वर्ड विच कैन नॉट एक्सप्रेस द सेक्स आर किफ्ट अंडर कॉमन जेंडर। शब्द वैसे शब्द जो यह नहीं बतला पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं कि वो मेल है या फीमेल, ठीक है। यानी कह तो देते हैं हम, लेकिन पता नहीं कर पाते हैं कि भाई मेल है कि फीमेल है, और उसी को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। कैसे भाई? तो वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। फिर से एक बार कॉमन जेंडर क्या है बाबू? द वर्ड विच कैन नॉट एक्सप्रेस द सेक्स आर केप्ट अंडर कॉमन। सेक्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि मेल है या फीमेल है। हम अगर मान लीजिए कोई शब्द बोल रहे हैं आपके सामने और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि मेल है या फीमेल है, तो वहां पर हम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं बाबू वो कॉमन जेंडर। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट, अरे भाई स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है आपको पता है? नहीं। मैंने एक लड़की को देखा और मैंने बोला सी इज माई स्टूडेंट। अब देखिए सी इज माई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से तो वहां पे सी लगा दिए तब हमको पता चला, क्योंकि वो जो सी है प्रोनाउन के अंतर्गत हम जानते हैं कि लड़कियों के लिए फीमेल के लिए यूज किया जाता है, वुमेन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बोल दे यू आर ए स्टूडेंट, अब आप समझिए कि यू आर ए स्टूडेंट, आप एक छात्र हो, तो अब छात्र लड़की है कि लड़का है नहीं पता चल रहा, कॉमन। अगर मैं आपके सामने डॉक्टर लिखूं तो भाई कैसे पता चलेगा? लेकिन जब हम इस तरीके से लिखें मिस्टर फलना, ठीक है ना, डॉक्टर, या फिर जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर कहने से कहां जा रहे हैं? तो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहने से आपको पता नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल। टीचर कह देने से पता नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल, ठीक है। अगर आप कह देते हैं फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड से पता नहीं चलता है कि भाई वो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। काप मींस बछड़ा बछड़ी, जो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चाइल्ड, बच्चा बच्ची, जो भी, बेबी, ये सब जो है ना कॉमन के अंतर्गत रखा गया, जिसका हम सेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, आइदर मेल है या फिर फीमेल है उसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब इसके बाद चौथा हमारा जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, फाउल, मुर्गा मुर्गी लिखा हुआ है बाबू। मोनार्क मीन्स होता है राजा रानी, जिसको बोलते हो मोनार्क। अब यहाँ पे जो है न्यूट्रल जेंडर लिखा हुआ, तो न्यूट्रल जेंडर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, वैसा नाउन जो मेंटली और सेक्सुअली अविकसित होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई ग्रामर में सजीव को भी निर्जीव माना गया है। जानते हैं क्यों? जब वो मेंटली और सेक्सुअली अविकसित होता है उसको ग्रामर में सजीव को भी निर्जीव माना गया है। अब जरा सा देखिए किस तरीके से, आप सोचिए, कहे जिसे एक नजर में देखकर जेंडर पता नहीं कर सकते। अब बताइए एक नजर में देख करके जेंडर पता नहीं कर सकते, तो शायद शब्दों में कह सकते हैं कि न्यूट्रल जेंडर वैसा नाउन है जो मेंटली और सेक्सुअली अविकसित होता है, अविकसित होता है, जिसे एक नजर में देखकर जेंडर पता नहीं कर सकते हैं। अब एक बेबी को ले लीजिए, बच्चा को, अगर गोद में बच्चा है अब क्या कहेंगे, तो अरे वाह क्यूट बेबी है। अब वो क्या है, लड़का है लड़की, नहीं पता चलता। इस तरीके से चाइल्ड कहते हैं, नहीं पता चलता है। तो वो श्रेणी में रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में भी रखा गया है उसको, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद पेन, बल्ब, टेबल, ये सब क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, याद रखिएगा। अब देखिए सबसे बड़ा जो ट्रिक है, कैसे हम बनाते हैं, चेंज कैसे करते हैं। तो रूल जनरली किसी शब्द के लास्ट में ई डबल एस लगा करके हम फेमिनिन बनाते हैं। जब हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं तो क्या गॉड, ये गॉडेज होना चाहिए, ठीक है, जीव, जीवेस होना चाहिए, ऑथर, ऑथरेस होना चाहिए, एयर, एयरेस होना चाहिए, लाइन, लाइनेस होना चाहिए, ठीक है, सेफर्ड, सेफर्डेस होना चाहिए, प्रोफेट, प्रोफेटेस होना, जैन, जैनटेस होना चाहिए। तो ई डबल एस लगा करके हम लोग बनाते हैं। तो भाई आप जानते होंगे गॉड, गॉडेज, गॉड क्या हुआ, तो गॉड पिता को बोलते हैं, देवी को गॉडेज बोलते हैं, यहूदी मतलब मेल में, और जेवेस बोले तो यहूदीन होगा, ऑथर हो गया तो लेखक हो गया, ऑथरिस हो गया तो लेखिका हो गया, पेट्रोन हो गया तो संरक्षक हो गया, पेट्रोनिस हो गया तो संरक्षिका हो गया, एयर हो गया उत्तराधिकारी, और ये एयरेस हो गई उत्तराधिकारी, लायन शेर हो गया, लायने शेरनी हो गई, सेफर्ड गडेरी हो गया, और सेफर्डेस गडेरिन हो गया,
प्रॉफिट पैगंबर हो गया और ये पैगंबरी हो गई, और जेट राक्षस हो गया और ये राक्षसी हो। अब इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि जब हम मैस्कुलिन से फैमिलिन चेंज करते हैं तो जनरली किसी शब्द के लास्ट में ई डबल एस लगा करके ही बनाते हैं, और एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए आपको जरूरी है गॉड से हम लोग क्या बनाए, गॉड एज यू से, जू एस ऑथर से, ऑथर एस पैट्रोन से, पैट्रोन एस एयर से, एयर एस लाइन से, लाइन एस सेफर्ड से, सेफर्डनेस प्रॉफिट से, प्रॉफिट अर्जेंट से, जेंटनेस। अब देखिए क्या बताया बाबू, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, क्या बताया। अब अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम होता है मीनिंग में, अगर मीनिंग में प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूं। जैसे देखिए ये गॉड तो आप जानते होंगे क्या होता है, गॉड देवता, ई क्या हो गया देवी, जीव यहूदी होता और इसका यहूदीन लिख दीजिएगा, ये ऑथर लेखक होता है और ये लेखिका लिख दीजिएगा, ये उत्तराधिकारी होता है उत्तराधिकारी, और ये जो लिख दीजिएगा उत्तराधिकारी, पैट्रोन संरक्षक होता है संरक्षक, और ये संरक्षिका हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेफर्ड ग्रेडी जिसको बोलते हैं, ठीक है ग्रेडी हो जाएगा, और ये प्रोफेट पैगंबर होता है और प्रोफेट पैगंबरी हो जाएगा, लायन जो होता है लायन में शेर होता है और ये जो है शेरनी हो जाएगा, और उसके बाद जेंट राक्षस ये राक्षसी हो जाए। तो ये कहने का मतलब जेंट मींस राक्षस भी होता है। तो आप मीनिंग को याद कर लेंगे फिर से एक बार, जनरली किसी शब्द के लास्ट में ई डबल एस जोड़कर भी हम लोग क्या बनाते हैं, फेमिनिन बनाते हैं मेरे बच्चे। तो गॉड से गॉडेस बनाएंगे, ज्यू से ज्यूएस बनाएंगे, ऑथर से ऑथरेस बनाएंगे, पैट्रोन से पैट्रोनेस बनाएंगे, एयर से एयरेस बनाएंगे, लायन से लायनेस बनाएंगे, सेफर्ड से सेफर्डेस बनाएंगे, ठीक है, और प्रोफेट से प्रोफेट्स बनाएंगे। अब देखिए जेंट से जेंटेस बनाएंगे। अब देखिए चेंज करना है, ठीक है ना। दूसरा अगर विधि करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आपके पास मिलेंगे जिसको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे, तो चेंज लास्ट वोवेल एड एस, माने वोवेल को चेंज करके उसमें ई डबल एस को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए एक्टर है, तो देख लीजिए यहाँ पे ओ लिखा हुआ है ना, इसको हटाएंगे तो ए सी टी, अब उसके बाद आर आ गया तो ए सी टी आर, और फिर इसमें जोड़ दिए ई डबल एस तो एक्ट्रेस हो गया। इंचेंटर, बाबू इंचेंटर का मतलब होता है जादूगर, इंचेंटर मींस क्या होता है जादूगर, और ये ट्रेटर मींस होता है गद्दार बाबू, गद्दार गद्दार, ट्रेटर मींस गद्दार, और हंटर मींस क्या होता है शिकारी, याद रखिएगा हंड्रेड। तो ये जो हो गया गद्दार मेल में हो गया, ट्रेटरस जो हो गया गद्दार या गद्दारिन जिसको बोल सकते हैं, वो किस चीज में हो गया फीमेल में, ये जादूगर हो गया, ये जादूगरनी हो गई, इंचेंट्रेस का मतलब जादूगरनी, और बहुत सारा चीज आपको पढ़ने के लिए है जो बताएंगे वो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग का चलेगा। हंटर जो है शिकारी, हंट्रेस शिकार, जो शिकारी फीमेल हो गई उसको हम लोग बोलते हैं टाइगर और टाइगरस, टाइगर का मतलब क्या हुआ बाघ, और ई डबल एस जोड़ दिए, देखिए आर है टाइगरस, यहाँ पे ई को हटाया टी आई जी आर और उसके बाद ई डबल एस जोड़ दिए, यानी बाघ और बाघिन। तो देखिए बाबू आपको मैंने क्या बताया, पहला मैंने यही बताया कि जनरली किसी शब्द के लास्ट में हम लोग ई डबल एस जोड़ करके भी फेमिनिन बनाते हैं, और दूसरा मैंने बताया कि अगर मेरे पास शब्द है तो उसके लास्ट में जो भवेल लगे हुए रहते हैं उसको हटा देते हैं और उसमें ई डबल एस जोड़ करके हम लोग फेमिनिन बनाते हैं, और तीसरा है कि आंतरिक परिवर्तन करना, आंतरिक परिवर्तन का मतलब समझते हैं कि आंतरिक मतलब उसके बीच में ही कहीं ना कहीं परिवर्तन कर देते हैं और उसके बाद हम लोग ई डबल एस लगा करके बनाते हैं, जैसे मास्टर हो गया, तो देखिए मास्टर से मिस्ट्रेस, कुछ ऐसे चीज होते हैं बच्चे जो आपको याद करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि मास्टर से क्या लिख दिया मिस्ट्रेस लिख दिया, इंपेरर मास्टर, मास्टर जिसको मालिक भी हम लोग बोलते हैं, इंपेरर सम्राट बोलते हैं, इंपेरर से इंप्रेस बोल, देखिए यहाँ पे आई एम पी ई आर ई डबल एस इंप्रेस बोल, ये अबोर्ट है बोर्ड जिसको बोलते हैं मठाधीश, अब देखिए एबेस बोल दिए ए डबल बी ई डबल एस, अब मर्डरर है, मर्डरर मतलब हत्यारा होता है बाबू, ये मर्डरस बोल दिए, तो इस तरीके से भी बनाते हैं। तो पहला क्या सीखे कि भैया कोई भी शब्द आपके पास है, जैसे गॉड से गॉडेस बनाने के लिए तो कोई भी शब्द आपके पास है उसमें ई डबल एस जोड़ करके भी मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। दूसरा मैंने बताया कि भाई जो शब्द रहता है उसके लास्ट में जो भवेल रहता है सबसे लास्ट में, जैसे मान लीजिए जहां भी लास्ट में भवेल हो उसको चेंज करके हम लोग बना देते हैं, और इकरा बात बताया कि बाबू आंतरिक परिवर्तन कर देते हैं, जैसे आपको तीसरा में बताया, ठीक है। चौथा और पांचवा मैं आपको बता रहा हूं, देखिए
तो बताया जैसे, अब बताइए याद हो गया होगा, गॉड से, गॉड इज जीव से, जीव इज ऑथर से, ऑथर इज पेट्रोन से, पेट्रोन एयर से, क्या हो गया बाबू, एयर से एरिस, लाइन से लाइन, सेफर्ड से सेफर्ड, प्रोफेट से प्रोफेट, जेंट से जेंट, और फिर मैंने बताया एक्टर से एक्ट्रेस, इंचेंटर से इंचेंटर्स, इंचेंटर इंचेंटर मीन्स क्या होता है जादूगर, जेंट मीन्स क्या होता है राक्षस, प्रोफेट मीन्स क्या होता है पैगंबर, लाइन मीन्स क्या होता है शेर, पेट्रोन मीन्स क्या होता है संरक्षण, जीव मीन्स क्या होता है बाबू यहूदी, और ये ऑथर मीन्स क्या होता है लेखक, गॉड मीन्स क्या होता है देवता, एयर मींस क्या होता है उत्तराधिकारी, और शेफर्ड मींस क्या होता है गडेरी, याद रखिए। अब उसके बाद इसमें मैंने बताया एक्टर्स एक्ट्रेस, इंचेंटर्स इंचेंटर्स, ट्रेटर, ट्रेटर मींस क्या होता है बच्चा गद्दार, मेल को ट्रेटर बोलते हैं, ट्रेटर्स बोलते हैं फीमेल को, इंचेंटर जादूगर मेल को बोलते हैं, इंचेंटर्स बोलते हैं फीमेल को, याद रहेगा, हंटर बोलते हैं मेल को और हंटर्स बोलते हैं फीमेल को, टाइगर बोलते हैं मेल को, टाइगर्स बोलते हैं फीमेल को, क्लियर। और इसमें मैंने बताया मास्टर का मिस्ट्रेस बनाते हैं, ये हो गया मालिक और ये हो गया मालकिन, मिस्ट्रेस का हिंदी क्या होता है मालकिन, ये हो गया मालिक और ये हो गया मालकिन, और ये जो होता है मठाधीश, इसको बोलते हैं मठाधीश, ठीक है ना, मठाधीश, ठीक है ना, और ये हो गया हत्यारा, हत्यारा हत्यारा, उधर हत्यारे, और इंपेरर जो हो गया ये हो गया सम्राट। तो बाबू याद रखिएगा मीनिंग भी, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रामर पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारे मीनिंग आपको समझ में आ जाता है, मास्टर मीन्स मालिक बताए, मिस्ट्रेस मालकिन, इंपेरर सम्राट बताए, इंप्रेस सम्राटीन ही बोलते हैं उसको, मर्डर हत्यारा, और ये जो है हत्यारी हो गया, बोट मीन्स मथा डीस भी होता है, ठीक है ना, एबेस मैंने जो सन्यासिनी जिसको बोलते हैं हम लोग, मास्टर मालिक मिस्ट्रेस, चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या बताए थे, नो रूल फॉलो, जानते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रूल्स फॉलो नहीं करते, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम रूल्स फॉलो नहीं करते बल्कि डायरेक्ट हमको याद करना पड़ता है, जैसे देखिए मैन है तो मैन का तो वुमेन हम जानते हैं, बॉय है तो गर्ल जानते हैं, अंकल है तो आंट जानते हैं, किंग है तो क्वीन जानते हैं, सर है तो मैडम, मिस्टर है तो मिसे, जार है तो जरीना, रसिया के शासक को हम लोग जार बोलते थे, वही जार जरीना होता, कॉक है तो हेन हो जाएगा, नेफ्यू है तो नाइस, भतीजा भतीजी, ये दूल्हा है ठीक है तो ये दुल्हन हो जाएगा, तो ब्राइडग्रूम दूल्हा होता है तो ब्राइड दुल्हन, विडोर क्या होता है बाबू, विडोर का मतलब होता है विधवा, तो इधर विडो हो गया विधवा, डॉग मीन्स तो समझ रहे हैं क्या होता है कुत्ता, और ये बिच मीन्स कुतिया, रैन मीन्स क्या होता है भेड़ होता है, यू का मतलब क्या होता है भेड़ी, और उसके बाद फॉक्स मीन्स क्या होता है लोमड़ी, विक्षर मीन्स क्या होता है, अगर ये लोमड़ी होता है तो इसका जो होता है मादा जिसको हम फीमेल बोलते हैं वो भिक्षण होता है, और देखिए रैम एग्जाम में पूछ चुका है, फॉक्स भी पूछ चुका है, ठीक है, विडोअर भी पूछ चुका है, विडो वाला भी पूछ चुका है, ब्राइडग्रूम भी पूछ चुका है, और एक जो वर्ड है आपका यहाँ पे, हाँ ये चार एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर हम लोग बनाते हैं, तो अगर मैस्कुलिन ब्राइड ग्रूम है तो फेमिनिन क्या होगा विडोअर, अगर मान लीजिए मैस्कुलिन है तो विडो क्या होगा, और इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जैसे डॉग है तो डॉग का बीच क्या बनाएंगे, एक बार देख लीजिए, मैन है तो वुमेन, बॉय है तो गर्ल, अंकल है तो आंट, किंग है तो क्वीन, सर है तो मैडम, मिस्टर है तो मिसेज, जार है तो जरीना, कॉक है तो हेन, नेफ्यू है तो नाइस, नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा, नाइस मीन्स होता है भतीजी, ये दुल्हा होता है अगर आप लिखना चाहें तो ब्राइड ग्रूम दुल्हा, और ये जो होता है दुल्हन होता है आप लिख सकते हैं, विडोअर जो होता है उसको बोलते हैं विधुर, ठीक है, और विडो जो होता है उसको बोलते हैं, बाद ये आते हैं पांचवा रूल में, पांचवा रूल में क्या है, मेकिंग फेमिनिन ऑफ मेल वर्ड ऑफ कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड तो समझते होंगे कि भाई एक से ज्यादा शब्द से मिलकर के बनता है दैट इज कंपाउंड, तो अब लिखे देखिए ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे ग्रैंड तो ग्रैंड रह गया लेकिन फादर क्या चीज में बदल गया मदर, तो ग्रैंडफादर को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं, ठीक है, और मैन सर्वेंट को हम क्या बोलते हैं वुमेन सर्वेंट, कब जब हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलते हैं तब, यहाँ पे लिखे हैं ग्रैंडसन जिसको आप बोलते हो पोता, अब यहाँ पे ग्रैंड डॉटर पोती हो गया, नाती नाती जिसको बोलते हो, स्टेप फादर क्या हो गया सौतेला, सौतेला पिता जिसको बोलते हो, और ये जो स्टेप मदर हो गई सौतेली माँ जिसको बोलते हो, फादर इन लॉ आप जान रहे हैं ससुर जी, और ये जो है मदर इन लॉ सास होता है जमींदार, लैंड लेडी का मतलब होता है बाबू उसकी पत्नी जो फीमेल होती है जमींदारी, वॉशरमैन धोबी होता है, वॉशर वुमेन धोबिन होता है, जैकेस गधा और जेनियस गधे, और पीकॉक का मतलब मोर और पीहेन का मतलब मोरनी, और ये जो है चेयरमैन चेयरमैन चेयर वुमेन, और मिल्कमैन ग्वाला और मिल्कमेड ग्वाले, तो याद रखिएगा बाबू क्या बताया ग्रैंडफादर को ग्रैंड मदर में यानी नाना को नानी बना देंगे, और ये मैन सर्वेंट है तो वुमेन सर्वेंट बना देंगे, नौकर है तो नौकरानी बना देंगे,
ग्रैंडसन है तो ग्रैंडडॉटर, पोता है तो पोती, नाती है तो नातिन बना देंगे, स्टेप फादर, सौतेले पिता है तो सौतेली माँ बना देंगे, स्टेप मीन्स क्या होता है सौतेला। अब ये फादर इन लॉ क्या हो गया, फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है बाबू ससुर, और इधर क्या हो गया सास, ये क्या होता है लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड का ये हो गई जमींदारी, और वॉशरमैन धोबी होता है, वॉशर वुमेन क्या हो गया ये धोबी, ठीक है ना, वॉशर वुमेन क्या होता है बाबू धोबी होता है। जैकेस क्या होता है, जैकेस मीन्स गधा, जेनियस मीन्स क्या होता है गधी, पीकॉक मीन्स क्या होता है मोर, और पीहन मीन्स मॉर्निंग, चेयरमैन आप समझ सकते हैं चेयरमैन का मतलब सभापति, और इस तरह भी सभापति लेकिन वुमेन सभापति की बात हो रही है, मिल्कमैन ग्वाला और मिल्कमेड ग्वाले। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैटर्न आप जेंडर का समझ गए होंगे, और आगे फिर मैं अगले चैप्टर में कुछ नया लेकर के आऊंगा, और मैं आपको अगले चैप्टर में फिर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, नाउन एंड नंबर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि चैप्टर आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर इस चैनल पर पहली बार है, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।